दर्शन न्यूज। बिहार में हुआ बड़ा खुलासा, पान दुकान से चलता था साइबर एसपी का कार्यालय। होम मिनिस्ट्री के इंफॉर्मेशन पर कटिहार से हुआ यह बड़ा खुलासा। असली एसपी की पुलिस टीम ने नकली साइबर एसपी बनकर लोगों से ठगी का शिकार करने वाले शम्स तबरेज को कोढ़ा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। कटिहार के इस मसले पर खुलासा करते हुए एसपी जितेंद्र कुमार ने कहा कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सूचना पर 2 नंबर को ट्रैक करते हुए कटिहार पुलिस शम्स तबरेज तक पहुंची है। शम्स तबरेज के मोबाइल को जब्त करते हुए जब इस मसले की जाँच किया गया तो उसके मोबाइल से दर्जनों महिलाओं और लड़कियों के अश्लील वीडियो और फोटो बरामद हुए हैं। शम्स तबरेज कितना साइबर सातिर अपराधी है, इस बात से पता चलता है कि बिहार के पटना, औरंगाबाद, मुंगेर, झारखंड के धनबाद और गिरिडीह, राजस्थान के अरवल और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी उन पर मामला दर्ज है। बताया जा रहा है कि पिछले 6 महीने से अधिक समय से कोढ़ा के एक पान दुकान से बैठकर शम्स तबरेज फर्जी साइबर एसपी बनकर महिला और लड़कियों का ब्लैकमेल कर उसे अश्लील फोटो और वीडियो लेता था। इसके आधार पर यह उन लोगों से आर्थिक दोहन भी करता था। कुछ मामला ऐसा भी आया जिसमें वह कटिहार मेडिकल कॉलेज के लड़कों को भी ब्लैकमेल किया है। अपने कबूलनामे में पुलिस के पास शम्स तबरेज ने स्वीकारा है कि डेटिंग साइट से वह लड़कियों का नंबर निकालकर उन लोगों से चैटिंग करते हुए पहले लड़कियों को फंसाता और फिर साइबर एसपी बनकर लड़कियों को ब्लैकमेल किया करता था। फिलहाल पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही कटिहार एसपी जितेंद्र कुमार ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी हाल में बगैर सत्यापित किए गए किसी अनजान शख्स को अपने निजी डिटेल, फोटो व वीडियो साझा न करें। कटिहार से रुपेश मिश्रा की रिपोर्ट। कटिहार जिला के एक दो मोबाइल नंबर के विरुद्ध कंप्लेन यहां पर दर्ज हुई थी, जो गृह मंत्रालय से भी जो पोर्टल है हम लोग का, वहां से भी कंप्लेन आया था। बिहार के अन्य जिलों से भी इस नंबर पर जो केस दर्ज हुआ था वो भी हमें सूचना प्राप्त हुई थी। तो मामला काफ़ी संगीन लग रहा था प्रथम दृष्टया। तो डीएसपी जो हमारे साइबर हैं, जो चार्ज में है सदाम हुसैन, उनको दिया गया ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला सामने आया है। इसमें एक अपराधी है, इसका नाम शम्स तबरेज है। ये कोड़ा थाना का रहने वाला है। ये क्या करता है कि कई जगह से लड़कियों का नंबर जो है, जैसे डेटिंग वेबसाइट है या भिन्न भिन्न प्रकार के जगहों से जो है वो लड़कियों का मोबाइल नंबर वो जो है लेता है और उनको जो है ये साइबर का, जैसा कि इसके मोबाइल जो प्राप्त हुआ उसमें जो आ रहा है कि पटना के साइबर के एसपी बोल रहे हैं आप, और उनसे जो भी है इलेक्ट्रॉनिकली जितना आप अश्लील हरकत समझ सकते हैं वो सब उनसे वीडियो, उसका रिकॉर्डिंग भी है, वो खुद करता भी है और कुछ से जो है मनी भी एक्सटॉर्ट करता है। तो इसमें हम लोगों ने एक मोबाइल जब्त किया है इसके पास से। इस मोबाइल ने ही जो है सारा केस जो है खोल दिया है। इसके विरुद्ध जो है बिहार के अन्य ज़िले, जैसे अभी तक जो हम लोग को जानकारी है पटना, औरंगाबाद, मुंगेर, इन जगहों पे जो है कांड दर्ज हो चुका है। झारखंड का जो है धनबाद है, गिरिडीह है, राजस्थान का जो है अरवल है और पश्चिम बंगाल में कोलकाता है। यहाँ पर इसके विरुद्ध जो है केस दर्ज हैं। ये बेसिकली जो लड़कियाँ हैं उसमें से कुछ नाबालिग लड़कियाँ भी हैं, उनको जो है ये बेसिकली टॉर्चर करता था और कई उसमें जो है मोबाइल में जो हम लोगों ने जो देखा इसमें कई विक्टिम्स हैं उसमें, और उनको लगता था कि ये सही में कोई साइबर का मतलब ऑफिसर बोल रहा है और वो बन करके उनको जो है विक्टिमाइज करता था। तो ये काफ़ी संगीन मामला है। इसमें मैं सभी जितने भी हमारे राज्य के जितने भी लोग हैं या बाहर के भी हैं उन सभी से मैं अपील करता हूं कि ये जो 2 नंबर है, और आपसे भी आग्रह है मीडिया बंधु लोग से, ये जो 2 नंबर है इसको आप प्रमुखता से इसको चलाएंगे। अगर ये 2 नंबर से
अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई अपराध हुआ है या आगे भी कोई भी आपके पास कुछ घटना हुई है तो ज़रूर इसकी सूचना या तो आप अपने लोकल थाना को दें या कटिहार साइबर पुलिस का जो नंबर है उसको दें। जो हमें सूचना प्राप्त हुई है ये कटिहार मेडिकल कॉलेज के कुछ लड़कों का भी न्यूड फोटो बना करके उनसे जो है एक्सटॉर्शन करना और ये सब जो है कांड पहले भी दर्ज कर चुका है। तो जब ये केस खुला तब जो है सारी बातें समझ में आ रही हैं। तो इसमें कई लोग विक्टिम हैं, तो मैं इसलिए सोचा काफ़ी सेंसिटिव मैटर है और बहुत लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, तो मैं उन सभी से अपील करता हूं कि अगर इस तरह का अगर कोई नंबर से अगर आपको फ़ोन आता है कि हम फलाने अधिकारी बोल रहे हैं या साइबर के अधिकारी बोल रहे हैं या कोई भी थाना के SHO बोल रहे हैं या कोई भी बोल रहे हैं, तो प्लीज़ उसका वेरिफिकेशन पहले आप कर लें। और वेरिफिकेशन करने के बाद अगर आपसे कोई अनड्यू एडवांटेज मांग रहा है या पैसे के तौर पे या किसी और तौर पे, तो कृपया जो है उसके जो वरीय पदाधिकारी हैं आप वहाँ जा कर के उसको उसके खिलाफ जो शिकायत करिए। इसमें जो है इसी का फ़ायदा उठा करके बहुत लोगों को इसने विक्टिम बनाया है और वो हमारे पास एविडेंस के रूप में जब था। कितने लोगों को शिकार बनाया, क्या है? दर्जनों हैं, वीडियो है मेरे पास, वो आप देख भी नहीं सकते। अच्छा, ये पान दुकान से ऑफिस चलाता था इस तरह की? ये इसके फादर का शायद पान दुकान था, उसी में बैठता था ये। मतलब बात सही है कि वहाँ पर भी बैठता था। मेडिकल कॉलेज के साइट भी हैक किया था यही? हैकिंग का मतलब कुछ कॉलेज के साइट भी हैक किया था यही हैकिंग का मतलब कुछ ना कुछ अंदर का ये तो है इसको एक्सेस, और मतलब ये टेक्निकली काफ़ी जो है श्रूड है। ये अभी तो जो हम लोग देखे हैं उसके मोबाइल में जो है वो जनवरी से चला रहा है, अभी 6 महीने का रिकॉर्ड तो मेरे पास है। वो 2 नंबर जो आपने दिया है क्या उसको पब्लिकलाइज किया जाएगा? एकदम किया जाएगा, उसका नंबर बताया जाए। 9113155182 एक नंबर है, फिर से मैं पुनः बोलता हूँ, 9113155182 और दूसरा नंबर है 8102811438। ये दो नंबर से, क्योंकि अब तो ये मोबाइल जब्त हो गया, ये जेल जो भी है विधिवत ये जा रहे हैं, लेकिन आपके आपके खिलाफ़ अगर कोई घटना इस नंबर से अगर हुई है या कोई आपके जो है एक्सटॉर्ट किया है या आपको विक्टिमाइज किया है, तो कृपया आप मेरा जो साइबर का नंबर है साइबर पुलिस स्टेशन का, आप उस पर कॉल करेंगे और उस पर जो है अपना जो है शिकायत को दर्ज करेंगे, ताकि ये हमारा केस जो है, अभी तो हमारे पास दर्जनों हैं, नंबर भी है, और लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि फॉर्मली जो है कहीं पे शिकायत नहीं किए हों, तो मैं उनसे अपील करता हूँ कि आप है तो आप कृपया हमें बताएं। ये नंबर किन के नाम है सर? ये नंबर इसी के नाम का है सर। शहर जो है कुछ नए नए हथकंडे जो है अपराधी अपना रहे हैं, अभी